आज हम देखने जा रहे हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ब्रीथ फर्स्ट सर्च जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं BFS। तो BFS जो होता है वो बेसिकली एक सर्चिंग एल्गोरिदम होता है। सर्चिंग एल्गोरिदम माने आपको कोई ट्री या ग्राफ दिया हो, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स होते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, या तो फिर पूरा आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कौन से एलिमेंट्स हैं किस पोजिशन पर। तो उसके लिए बहुत सारे सर्चिंग टेक्निक्स होती है, जिसमें से एक है ये BFS जिसको बोलते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च। फिर DFS आती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, फिर एक बेस्ट फर्स्ट सर्च। ऐसे बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक्स है, जिसमें से आज हम देखने जा रहे हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ओके, तो ब्रीफली फटाफट समझ लेते हैं कि BFS में होता क्या है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होती है। सबसे पहले देखो अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का मतलब ये होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेज, मतलब अभी फ़िलहाल आप जिस नोड पे हैं उसके बाद की नोड की आपको कोई आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू कोई मालूम नहीं है, कि आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि नेक्स्ट स्टेज पे मैं जाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। एग्जांपल के समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो दूसरी है फीफो। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक का ये यूज़ करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक मतलब कौन सी यूज़ होती है, तो उसमें क्यू जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्यू, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये BFS वाले में। फीफो में यूज़ होता है क्यू, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर भी जाएगा, ठीक है। फिर शैलोएस्ट नोड, शैलोएस्ट नोड माने हम लोग सिर्फ वही नोड की ध्यान में रखते हैं जो नोड सबसे नज़दीक वाला हो करंट नोड में से, मतलब जो वर्टाइज अभी वाले वर्टाइज से सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा हम वही वाले वर्टाइज पे नज़र रखते हैं, उसके आगे वाले पे ध्यान हम बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। और कंप्लीट माने अल्गोरिदम कंप्लीट है, कि आपको फाइनल जो डिजायर रिजल्ट होगा वो ऑलवेज देगा ही, ठीक। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ये एग्जांपल में होगा ये कि मैंने आपको बोला कि BFS जो होगा वो हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्यू के थ्रू। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू आपको मालूम होना चाहिए। ये जो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये वाले स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर भी निकलेगा, ठीक, समझ में आ गया। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये अपने पास एक ट्री दिया हुआ होगा, कोई भी ट्री या ग्राफ, दोनों में से कोई भी एक दिया हो सकता है। हमने यहाँ पर ट्री लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ग्राफ भी सीखना है तो मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपको ग्राफ का भी एक एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक। अभी ट्री को देख लो। सबसे पहले अपना रूट नोड ट्रावर्स का अपना गोल क्या है, कि चलो अपने पूरा का पूरा सर्च करना है, मतलब पूरा का पूरा ट्रावर्स करना है, हर एक जगह पर अपने को जाना है, ठीक है। तो हर एक जगह पर जाना है तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, रूट नोड से। रूट नोड से शुरू कर रहे हो तो रूट नोड में क्या है, ए, ए को सबसे पहले डाल दो क्यू में। ओके, ए को मैंने क्यू में इंसर्ट कर दिया। अभी तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। अभी हमको ये अपने को ये ध्यान रखना है कि क्यू जो अपना करंट स्टेट है, करंट नोड जो है उसका सबसे नजदीक वाले कौन से नोड्स है, बी सी और डी। तो ए से जा सकते हैं बी, फिर सी और डी, तो क्या जा सकते हैं, बी सी और डी, समझ में आ रहा है। अभी इसमें क्या होगा कि जो नोड हम ट्रावर्स कर चुके हैं, मतलब पीछे छूट गया हमारा जो नोड, मतलब ये पीछे छूट गया, तो ये यहाँ से निकल जाएगा क्यू में से और आउटपुट में आ जाएगा। क्या बोला था, सबसे पहले क्या आया था, ए आया था, तो सबसे पहले ए बाहर जाएगा, ए चला गया आउटपुट में, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या होगा, अभी हमने बी सी और डी तो ट्रावर्स कर लिया, वहाँ पर तो हम विजिट करके आए, अभी आगे ये सारा भी तो विजिट करना है, तो कैसे करेंगे हम, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या ध्यान रखना है, ये अपने पास क्यू है ना, तो क्यू में से अब हम चूज़ करेंगे, क्यू में सबसे पहले कौन सी वैल्यू, बी, तो बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, बी से ई और एफ, ठीक है। तो हम बी से जाएंगे ई और एफ, अभी बी हमारा पीछे छूट गया तो बी ले लेंगे हम यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अभी अपने पास क्यू में कौन सा है, सी, तो सी से हम कहाँ जा सकते हैं, सी से जी, तो सी से हम जा सकते हैं जी, तो सी हमारा पीछे छूट गया, यहाँ पर आ गया आउटपुट में। अभी अपने पास क्या है, डी, अभी डी से कहाँ जा सकते हैं हम, डी से एच और आई, तो एच और आई, तो अभी डी हमारा निकल जाएगा पीछे छूट गया, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो कोई भी बचा क्या, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई,
तो माने हमने सारा का सारा विजिट तो कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ एलिमेंट्स है जो आउटपुट में नहीं है, हमारे क्यू में है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से ही हम पूरा का पूरा क्यू खाली कर देंगे। तो फर्स्ट इन माने सबसे पहले ई निकलेगा, ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, एंड लास्ट में निकलेगा आई। क्यू हमारा पूरा का पूरा खाली हो गया, ये हमको हमारा आउटपुट मिल गया। ये जो आउटपुट है हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए से जाएगा बी, बी से जाएगा सी, सी से डी, डी से ई गए हम, ई से गए एफ, एफ से गए जी, जी से गए एच, और एच से गए आई। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रावर्स करने को बोला है, मतलब आपको विजिट करना है, यही आपका एक गोल था कि आपको सारे स्टेट्स को विजिट करना है, तो ये आप ऐसे आपको सारे विजिट कर दें। लेकिन अगर आपको ये बोला होगा, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा विजिट करना है, प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड तक जाना है। मतलब गोल स्टेट आपको दिया होगा कि मान लो आपको ए से आपको गोल स्टेट है, आपको जी जाना है, जी तक, यहाँ तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे, तो यहाँ पर देखो आउटपुट में करना यही है, पूरा का पूरा स्टेप मेथड यही फॉलो करना है। लेकिन क्या करेंगे, आउटपुट में देखो ए से बी, बी से ए से बी, बी से सी, टी, ई, एफ, जी। हमको क्या चाहिए था, ए से जी जाना था, तो हम ए से जी पहुंच गए, बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जी आ गया बस, यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है ट्रावर्सिंग, मतलब यही ऐसे ही होता है ट्रावर्सिंग, एक नोड से दूसरे नोड तक आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, तो ये एक मेथड है। दूसरे भी मेथड है, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च है, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार, ए ओ स्टार एल्गोरिदम, ये सारे हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो, फ्यूचर के यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज चल रही है, हम पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें से कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दो, और अगर कमेंट करने में शर्म आ रही है तो नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम आई डी दे दिया है, तो वहाँ पर जाके आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और शेयर करते रहो यार, टाइम ज़्यादा ये सब करने में, तो शेयर करो, जितना बने उतना शेयर करो।